नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। पहली बार मतदान करने वाले वोटरों के लिए मतदान करना एक रोमांचकारी पल होता है। भारत में तो चुनाव को लोग एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। पिछले कुछ चुनावों में चुनाव के तरीकों में बदलाव हुआ है। अब वोट देने के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो पहली बार वोट देने वाले वोटरों के लिए यह एक बहुत ही रोमांचकारी पल होगा। जो पहली बार वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर जाएंगे, उनके लिए समझना बेहद जरूरी है कि आखिर वोट देने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले अब बूथ पर जाएं तो क्या करें, हम अपने पसंदीदा उम्मीदवार को कैसे वोट करें, अगर आपने वोट कर दिया तो फिर आपको यह बात की जानकारी कैसे होगी कि आपने जिसे वोट दिया है उसका वोट आपके सही उम्मीदवार के पास गया है कि नहीं। इन सारी बातों की जानकारी हम आपको आगे वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे। जब आप वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएं तो वहां पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 4-5 पोलिंग ऑफिसर के साथ कुछ एजेंट होते हैं। पोलिंग ऑफिसर लाइन में बैठे रहते हैं। जब आप बूथ में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाएं। उसके बाद ऑफिसर वोटिंग लिस्ट से मतदान के नाम का मिलान करते हैं। इसके बाद दूसरे पोलिंग ऑफिसर को आप अपना पहचान पत्र दिखाएं, जहां पर वो आपके आईडी से इलेक्ट्रोल नंबर देखकर रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद तीसरे पोलिंग ऑफिसर उंगली पर स्याही लगाकर ईवीएम पर वोट डालने की अनुमति दे देते हैं। पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी गई है। जब आप उस वोटिंग मशीन के पास पहुंचेंगे तो वहां पर एक मशीन में बाएं तरफ सभी उम्मीदवार के नाम और उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह छपा होता है। हर उम्मीदवार के नाम के आगे लाल लाइट और एक नीली बटन होती है। वहां आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने ईवीएम का बटन दबाकर अपना वोट देंगे। बटन दबाने के साथ ही बीप की आवाज़ आएगी। इसका मतलब हुआ कि आपने अपना वोट कर दिया। इसके बाद आप इस बात की पड़ताल कर सकते हैं कि आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे यह वोट गया कि नहीं गया। इसके लिए वहां पर वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट यानी कि वीवीपैट मशीन लगी होती है, जिसमें एक पारदर्शी विंडो होता है। वहां पर 7 सेकंड तक उम्मीदवार के सीरियल नंबर, नाम और सिंबल के साथ पर्ची दिखाई देगी, जिससे आप यह जाँच कर सकते हैं कि सही उम्मीदवार को वोट गया कि नहीं गया। आपको बता दें कि वोट डालने के बाद यह मशीन लॉक हो जाती है। अगर इसके बाद भी ईवीएम के बटन को अगर आप दबाते हैं तो मशीन किसी तरह की कोई चीजें रिकॉर्ड नहीं करेगी। भारत में 18 साल या उससे अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। वोट डालने के लिए मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। पोलिंग बूथ पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने वोटर आईडी कार्ड रख ली है या नहीं। इसके साथ ही आप अपने वोटर आईडी से अपने नाम का मिलान भी कर लें। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट के साथ ही 14 ऐसे अन्य और डॉक्यूमेंट है जिसे लेकर आप मतदान कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी वोटर आईडी कार्ड बने होने के बाद भी वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आप मतदान नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि नए वोटरों को वोटिंग करने में यह जानकारी मददगार साबित होगी। देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।